नमस्कार साथियों, मैं नवर्धन, आपका NH Point YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कोटा शहर के संस्थापक कोटा खिल की कथा के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करके, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजा कोटा खिल की गौरव कथा। कोटा के किले की नींव बूंदी के हांडा राजवंश के पराक्रमी शासक राव देवा के पुत्र राजकुमार जेत सिंह ने कोटा के भील सरदार राजा कोटिया भील को धोखे से विजय प्राप्त करके, कोटिया भील इंकेलगढ़ नामक प्राचीन किले का शासक था तथा वहीं निवास करता था, उसी के नाम से कोटा का नाम पड़ा। कोटिया भील अत्यंत पराक्रमी तथा उसे युद्ध में हरा पाना असंभव था। तब जेत सिंह ने उसे अपने यहाँ दावत पर बुलाकर खूब शराब का सेवन कराया। जब कोटिया भील पूरी तरह से शराब के नशे में धुत हो गए, तब सालार गंजी और हंडा राजपूतों ने मिलकर उन पर हमला बोल दिया। कोटिया भील ने वीरता से उनका सामना किया और सालार गंजी को मार गिराया। तब जेत सिंह ने धोखे से कोटिया भील की गर्दन धड़ से अलग कर दी। धड़ से अलग हो जाने के बाद भी कोटिया भील युद्ध करते रहे, तब उनकी कमर काट दी गई। इस तरह उनके शरीर के तीन हिस्से और उन्होंने अंतिम सांस ली। इस तरह कोटिया भील की हत्या कर दी गई। बूंदी राजवंश से ही कोटा राजवंश का निकास हुआ है। मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में बूंदी से अलग कोटा को स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। शाहजहां ने बूंदी के प्रतापी शासक राव रतन सिंह हांडा के दूसरे पुत्र माधव सिंह को दक्षिण में रहानपुर के युद्ध में वीरता और पराक्रम दिखाते हुए विजय प्राप्त करने पर प्रसन्न होकर राव को खिताब और कोटा की स्वतंत्र जागीर प्रदान की। लेकिन कोटिया भील का जाना कि किस तरह से कोटिया भील की धोखे से हत्या की गई, उसे किस तरह से शराब का सेवन करा के धोखे से मारा गया, क्योंकि ऐसे वीरों को सामने से मार पाना उनके लिए बहुत कठिन था, तो उन्हें शराब के सेवन से कोटिया भील की हत्या की। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पे नए आए तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करके, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए NH Point YouTube चैनल। और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि आगामी वीडियो है वो किस टॉपिक पे बनाया जाए। धन्यवाद।